हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सच्ची न्यूज डिफेंस चैनल में। और मैं प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कंपैरिजन सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के बारे में कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी एक दूसरे को कहाँ पर टक्कर देते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपने भारत देश के डिफेंस से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की अटैक सबमरीन के बारे में। पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 8 सबमरीन मौजूद हैं, जिसमें से 5 सबमरीन अटैक सबमरीन है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर लॉन्च करने वाली सबमरीन नहीं है। और वहीं इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 16 सबमरीन मौजूद है, जिसमें से सारी 16 सबमरीन अटैक सबमरीन है, साथ ही 2 सबमरीन न्यूक्लियर फायर भी कर सकती है। वही बात करें इंडिया और पाकिस्तान के नेवल पर्सनल्स की, तो इंडियन नेवी में 70,000 एक्टिव पर्सनल्स है और 55,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और पाकिस्तान नेवी में 30,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और 5,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद हैं। और वहीं फ्रिगेट्स की बात करें तो आपको ये बता दें कि फ्रिगेट्स का मतलब युद्ध पोत होता है, जो अटैक करने की क्षमता से लेस होता है। ये मिसाइल फायर भी कर सकता है, साथ ही इसमें गन भी लगी होती है दूसरे शिप पर हमला करने के लिए। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 13 फ्रिगेट्स मौजूद है, वहीं पाकिस्तान की नेवी के पास मौजूदा समय में 9 फ्रिगेट्स मौजूद है। और वहीं कॉर्वेट्स की बात करें तो आपको बता दें कि कॉर्वेट्स फ्रिगेट से छोटे होते हैं, पर ये दुश्मन पर तेजी से हमला कर सकते हैं, ये मिसाइल फायर भी कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 23 कॉर्वेट्स मौजूद है, और वहीं पाकिस्तान नेवी के पास मौजूदा समय में 2 कॉर्वेट्स मौजूद है। वहीं अगर बात करें डिस्ट्रॉयर्स की, तो डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स से बड़े होते हैं, इसकी अटैक करने की रेंज भी ज्यादा होती है, और ये दुश्मन की शिप पर अटैक करने के काम आते हैं, साथ ही ये लॉन्ग रेंज और हैवी मिसाइल को भी दाग सकते हैं। और डिस्ट्रॉयर्स सरफेस अटैक के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 10 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद है, वहीं पाकिस्तान नेवी के पास मौजूदा समय में एक भी डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। अगर पेट्रोल क्राफ्ट की बात करें तो इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 139 पेट्रोल क्राफ्ट मौजूद है, और वहीं पाकिस्तान नेवी के पास मौजूदा समय में 12 पेट्रोल क्राफ्ट मौजूद है। वहीं बात करें माइन वॉरफेयर की, तो माइन वॉरफेयर का काम नेवल माइन को फाइंड करना होता है, ताकि वो किसी और शिप को नुकसान न पहुंचा सके। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 3 माइन वॉरफेयर शिप मौजूद है, और वहीं पाकिस्तान नेवी के पास मौजूदा समय में 3 माइन वॉरफेयर माइन हंटर के नाम से मौजूद है। और आइए अगर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, और 2021 के अंत तक INS विक्रांत भी इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा, जिसका अभी सी ट्रायल चल रहा है। और वहीं पाकिस्तान नेवी के पास मौजूदा समय में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। आइए जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की नेवी के नेवल एयर आर्म के बारे में। इंडियन नेवी की अगर बात करें तो मौजूदा समय में 36 कॉम्बैट MiG-29 की एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास मौजूद है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान की नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नेवी के पास कॉम्बैट फाइटर जेट मौजूद नहीं है। और वहीं बात करें मैरीटाइम पेट्रोल की, यानी कि जो प्लेन गश्त यानी पेट्रोलिंग करते हैं और दुश्मन के शिप व सबमरीन का पता लगाते हैं, तो इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 49 पेट्रोलिंग विमान मौजूद है और 14 एवॉक्स विमान मौजूद है, और 20 से ज्यादा पेट्रोलिंग विमान ऑन ऑर्डर में है। वहीं पाकिस्तान की नेवी के पास मौजूदा समय में 11 पेट्रोलिंग विमान मौजूद है, जिसमे लॉकहीड P3 ओरियन ATR-72 हॉकर 800 विमान शामिल है। वहीं नेवी के हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में 103 हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें Kamov K-31, Kamov K-7, वेस्टलैंड सी किंग, HAL ध्रुव, HAL चेतक जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, और 53 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स ऑन ऑर्डर में है, जिसमें SH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर भी है, जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है और इसे सबमरीन किलर भी कहते हैं। और वहीं पाकिस्तान नेवी के पास मौजूदा समय में 23 हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, जिसमें वेस्टलैंड सी किंग, MiG-14, Harbin Z-9 जैसे हेलीकॉप्टर शामिल है। दोस्तों, इंडियन नेवी पाकिस्तान की नेवी से टेक्नोलॉजी और संख्या में काफी आगे हमेशा सही रहा है, साथ ही पाकिस्तान नेवी के साथ इंडियन नेवी की फाइट में भी इंडियन नेवी का रिकॉर्ड हमेशा बढ़िया ही रहा है। वहीं इंडियन नेवी ने 1971 में PNS गाजी का जो हाल किया था, वो पाकिस्तान को आज भी याद होगा। साथ ही आपको बता दें कि हमारे चैनल पर इंडियन एनिमी कंपैरिजन सीरीज चल रही है, जिसमें आपको भारत देश के दुश्मनों की पावर से भारत की पावर का कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थी इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के बीच के कंपैरिजन के बारे में। और वहीं आप अमेरिका के रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप ऊपर वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। वहीं आप इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में पावर कंपैरिजन 2021 के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो आप नीचे वाले वीडियो को देख सकते हैं।
तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे भारत देश के डिफेंस से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके सबसे पहले। तो फिर मिलता हूँ ऐसे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।